उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार 30 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं, जिसको लेकर आज हल्द्वानी के डीपीएस स्कूल में डीजीपी अशोक कुमार का विदाई समारोह रखा गया। इस विदाई समारोह में नैनीताल के कप्तान और कई गणमान्य लोगों को निमंत्रण दिया गया था। इस दौरान उनके शुरुआती दौर से लेकर अब तक के सफर में चुनौतियों से लेकर सफलताओं पर चर्चा की गई। वहीं आम जनता और पुलिस के बीच समन्वय और एक पुलिसकर्मी के परिवार के लिए आने वाली परेशानियों और निराकरण के लिए भी जिन कदमों को उठाया गया उन पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान उनकी पत्नी अलकनंदा अशोक उनके साथ मौजूद रही। आपको बता दें कि अभी तक उत्तराखंड के नए पुलिस महानिदेशक का नाम सामने नहीं आया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के तर्ज पर उत्तराखंड को भी कार्यभार डीजीपी मिल सकता है। देखिए, बहुत ही सुखद रहा, चुनौतीपूर्ण रहा, संघर्षपूर्ण रहा, किंतु एंजॉयबल भी रहा। मतलब बहुत टफ है पुलिस का काम, किंतु जैसा अभी चर्चा हुई हल्द्वानी क्षेत्र के, कुमाऊं क्षेत्र के बहुत से लोग आए थे, सब ने जिस तरह से बताया, बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां भी आई तराई में, आतंकवाद से लेकर के और जो है काला ढूंगी कांड जो हुआ था नैनीताल का, और बहुत सारी बातें हुई। किंतु कोरोना काल आया, आपको पता है, फिर कुंभ की चुनौतियाँ, कोरोना में कुंभ हुआ, चार धाम यात्रा हुई और कांवड़ मेला हुआ, और जनता के सहयोग से और पुलिस के टीम वर्क से सब काम अच्छे से हो गए। हमने प्रयास किया है थ्रूआउट कि पुलिस सख्त होनी चाहिए और संवेदनशील होनी चाहिए, अपराधियों के प्रति सख्त होनी चाहिए और आम जन के प्रति मित्रवत होनी चाहिए और पीड़ितों के प्रति संवेदनशील होनी चाहिए। तो इसी प्रयास की बारे में चर्चा भी हुई है और इसी को मैं मानता हूँ कि अगर लोगों के, आम आदमी के मन से पुलिस का डर कम हुआ हो और अपराधियों में डर बढ़ा हो तो यही मेरी सफलता होगी। सर ने जब आज से 3 वर्ष पूर्व अपना डीजीपी का कार्यभार ग्रहण किया था तो हम दोनों की मन की ये बहुत इच्छा थी कि हमको अपने पुलिस परिवार के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें पुलिस की जो सर की सर्विस है इसमें इतने लंबे समय से हमें इतना सब कुछ उन सर्विसेज से मिला है, तो हमें भी कुछ ऐसा योगदान करना चाहिए अपने स्तर पर। और हमने उत्तर प्रदेश के टाइम से ये देखा था कि जब हमारे जवान बहुत हार्ड ड्यूटी कर रहे होते थे तो उनकी फैमिलीज निगलेक्ट हो रही थी, तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जब सर ने 3 साल पूर्व यहाँ पे एस डी जी पी चार्ज टेक ओवर किया तो हमने उपवा की स्थापना करी, उत्तराखंड पुलिस वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन। इसमें कांस्टेबल से लेकर डीजीपी तक की सभी की वाइफ इसका अंग हैं और जिस भी तरह की उनकी परिवारों की समस्याएं होती हैं उसी हिसाब से उसको सुलझाने की कोशिश करी गई, तथा पुलिस परिवार के बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए उनके लिए विभिन्न तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन होता रहा, साथ ही साथ उनका मनोबल बढ़ाने के लिए उनको पारितोष वितरण भी किया गया, उनको डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी दिए गए और साथ ही साथ महिलाओं को भी स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स कराए गए जिससे कि वो आत्मनिर्भर बन सके। और मुझे बड़ा हर्ष है कि पिछले 3 सालों में कुल मिलाकर हम लोगों की 22 महिलाएं आत्मनिर्भर हो गई हैं जो पर मंथ 10 से 50 हज़ार रुपये तक की अपनी इनकम कर रही हैं और उनका स्किल डेवलपमेंट हुआ है, उनको अच्छी ट्रेनिंग दी गई और महिलाओं के स्वास्थ्य का विशेषकर ध्यान रखने के लिए उन लोगों को मेडिकल कैंप हर डिस्ट्रिक्ट में, हर बटालियन में मेडिकल कैंप्स का आयोजन किया गया, योगा कैंप्स का आयोजन किया गया ताकि हमारी महिलाएं स्वस्थ रहें और अपने परिवार का ध्यान रख सकें और पुलिसकर्मी जो सेवा कर रहे हैं वो निश्चिंत होकर, अपने परिवार की तरफ से निश्चिंत होकर आगे कार्य कर सकें।